दोस्तों सूर्यवंशी और सिंघम, उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन होने वाला है? सिंघम 3 कब आने वाली है? क्या है अपडेट सिंघम 3 के बारे में? इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों दो अपडेट देने वाला हूँ। एक अपडेट है कि सूर्यवंशी और सिंघम 3 में क्या कनेक्शन है, और दूसरी अपडेट है सिंघम 3 कब आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्यवंशी और सिंघम 3 में क्या कनेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको शायद पता होगा कि सूर्यवंशी फिल्म में विलन का रोल निभा रहे हैं जैकी श्रॉफ। जी हाँ दोस्तों, और खबर के मुताबिक रोहित शेट्टी की जितनी भी फिल्म अब तक आई है उनमें से सबसे खतरनाक विलन सूर्यवंशी में जैकी श्रॉफ होने वाले हैं। दोस्तों सूर्यवंशी के एंड में जैकी श्रॉफ है वो मरने वाले नहीं है। फिर सूर्यवंशी यानी कि अक्षय कुमार, ये जो केस है वो पूरा का पूरा केस सिंघम यानी कि अजय देवगन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद सूर्यवंशी फिल्म ख़त्म हो जाती है, यानी कि सूर्यवंशी की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और आगे की जो स्टोरी होगी वो सिंघम 3 से शुरू होगी। यानी कि सूर्यवंशी ने जो केस अजय देवगन को ट्रांसफ़र किया था वो केस अब आगे जाके सिंघम 3 यानी कि अजय देवगन संभालने वाले हैं। इसी तरह की न्यूज़ निकल के सामने आई है सूर्यवंशी और सिंघम 3 के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिंघम 3 कब रिलीज़ होने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि रोहित शेट्टी अभी बिजी है सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह के साथ उनकी फिल्म सर्कस को लेकर, और सर्कस 31 दिसंबर 2021 में आने वाली है। तो रोहित शेट्टी दोस्तों सर्कस ख़त्म करने के बाद उनकी अगली फिल्म अजय देवगन के साथ यानी कि गोलमाल सीरीज में काम शुरू करने वाले हैं। गोलमाल में काम ख़त्म करने के बाद रोहित शेट्टी फिर काम शुरू करने वाले हैं सिंघम 3 का। तो दोस्तों अभी रोहित शेट्टी बिजी है सर्कस मूवी की शूटिंग में, उसके बाद काम शुरू होगा गोलमाल सीरीज का, और उसके बाद आएगी सिंघम 3 की बारी। और दोस्तों रिलीज डेट की बात करें तो अभी जो कोविड की सिचुएशन है उस हिसाब से अगर हम लोग अंदाज़ा लगाए तो सिंघम 3 हमें 2023 के एंड में या फिर 2024 में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी शूटिंग चल रहे हैं, जिस तरह की कोविड की पोजीशन अभी है उसी हिसाब से मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हमें ये सिंघम 3 शायद 2023 के एंड में या फिर 2024 में, अब कब देखने को मिलेगी वो तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। तो बस दोस्तों ये दो अपडेट मेरे पास आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब ये अपडेट कितनी सच्ची है और कितनी झूठ है वो हमें आने वाले समय पे पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक अपडेट कंफर्म है कि सिंघम 3 आने वाली है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अपडेट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार की सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।